गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं वो है ऑडिट का, स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर 5 आप लोग का, फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। जो लोग भी पढ़ रहे थे इस चैप्टर को स्टडी मेट से, थोड़ा सा दिक्कत फील कर रहे थे कि सर बहुत सारी चीज़ें इसमें देके रखी हैं। देखिए, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। मेजर पोर्शन इसका जो है, हम कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने की। जैसा आप लोग जानते हैं, ऐसे 240 हमारा जो है वो इस चैप्टर के साथ में कवर करेगा, तो उसको भी दिमाग में हम लोग साथ में रखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट अगर अपन करें, तो बेसिकली आप लोग को इधर बोल दिया गया है कि भाई चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, बहुत बढ़िया आपको देके रखा है क्या क्या चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं, तो एक नज़र आप डाल सकते हैं। फिर ऐसे 240 हमारा जो है, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड, साथ में दे दिया है इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें फ्रॉड का एक बहुत बढ़िया सा डेफिनेशन आप लोग को दे के रखा हुआ है, वो डेफिनेशन आप लोग को देखना चाहिए, एग्जाम पर्पज से अच्छा पॉइंट है, तो ज़रूर आप लोग उसको देख करके जाएं। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल अमंग मैनेजमेंट, वेदर TCWG, एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टी, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। तो बहुत सीधा सीधा से इन्होंने दिया कि भाई कोई भी ऐसा इंटेंशनल एक्ट आपको याद हो, तो हम लोग जनरली यही बात करते हैं कि जो इंटेंशनल किया जाए वो फ्रॉड है, जो अनइंटेंशनली हो जाए वो एरर्स है, बराबर। तो इंटेंशनल एक्ट अगर किसी इंडिविजुअल ने, वैदर वो मैनेजमेंट है, वैदर वो TCWG का पार्ट है, वैदर वो एम्प्लॉइज है, थर्ड पार्टी है, जो भी, और जिनका इलीगल एडवांटेज लेने का या अनयूजुअल अनजस्ट एडवांटेज लेने का इंटेंशन रहा हो, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई वो उन्होंने किया है वहां पे फ्रॉड। तो डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाएं, अच्छा है, काम आएगा हमारे लिए लिखने के लिए भी। देन जैसा आप लोग जानते हैं, चैप्टर का बेसिक्स मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने पढ़ के रखा है, तो दो चीजों के ऊपर ये फ्रॉड फोकस करता है। पहला हमारा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास में है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, बराबर। इन जनरल हम जानते भी हैं कि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड है, ये बेसिकली अगर कोई करेगा तो मैनेजमेंट के बस की बात है या TCWG के बस की बात है, वही ये कर सकते हैं। लेकिन जहां तक एसेट के मिस अप्रोप्रिएशन की बात है, तो ये एम्प्लॉइज के लेवल की बात हो सकती है, उनके लिए बस में है, उनके वो ये कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड करना थोड़ा बड़े लेवल का फ्रॉड हो गया, तो ये करने के लिए मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आप ज्यादा करता है इस चीज को। तो ये चैप्टर आपका फ्रॉड के दो पॉइंट्स के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्वालिटीज ऑफ फ्रॉड देके रखा है, ज्यादा इस पर मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, इन जनरल पॉइंट है, आप लोग बहुत आराम से इसको देख सकते हैं कि फ्रॉड इंटेंशनल है, काफी ब्रॉड लीगल इसका कंसेप्ट काम करेगा। देन जैसा आप देख सकते हो, वही जो चीज आपने पढ़ी, यहाँ छोटा सा एक स्टडी मैट ने बढ़िया सा आपको एक डायग्राम देके रखा है कि एक तरफ है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट को भी इन्होंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स भी आप देख रहे हो, और डिफॉल्केशन ऑफ कैश जो है वो भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो दो चीजें इन्होंने दी, तो आगे इसी चैप्टर में डिटेल में आप लोग को समझाए भी हैं, तो ज्यादा इसको बस एक बार एक नजर आप डाल लें तो भी चलेगा, ज्यादा इतना पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, वो भी बता रहा हूँ आपको मैं। अब हमने कहा कि हमारे फर्स्ट पॉइंट पे आए, देखिए मतलब जब भी आप पढ़े हैं तो फ्रॉड का डेफिनेशन पढ़ लिया, फिर ध्यान में रखें कि हमने इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है और दूसरा हमारा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है, ठीक है। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मीनिंग यहाँ पे इन्होंने दिया, थ्री पार्ट यहाँ पे दिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये पढ़ने के लिए। यहाँ से भी सबसे नंबर वन पे इन्होंने लिख दिया है मैनिपुलेशन या फॉल्सिफिकेशन करना अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर, दूसरे में मिस रिप्रेजेंटेशन या इंटेंशनल चीज़ों को ओमिट कर देना, नहीं लिखना, तीसरे में इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उनको गलत तरीके से लगाना, ये सब हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड में कवर है, ठीक है। तो आप जब इसको पढ़ें चैप्टर को, तो पहले ऑडिटर को थोड़ी देर के लिए दूर रखें, पहले ये समझें कि किसी भी एंटिटी में फ्रॉड अगर है तो किस किस लेवल का और कैसा कैसा हो सकता है, पहले वो पढ़ें, फिर आए इस बात पे कि ऑडिटर उनको कैसे, क्या ड्यूटी ऑडिटर का बनेगा, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। हाँ, ये आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ऐसे 200 के हिसाब से, कि ट्रू एंड फेयर व्यू अगर अपने को देना है, तो हमने बात ही यही की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट,
और मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहीं से निकल करके आएगा हमारे पास में, कि अगर फ्रॉड है तो मतलब मिसस्टेटमेंट है, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ें तो पहले फ्रॉड को समझें, फ्रॉड के जितने भी टाइप्स हो सकते हैं पहले उनको समझें, फिर ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और फिर रिपोर्टिंग समझें। मतलब मेरे हिसाब से आपको चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। पहले फ्रॉड और उसके सारे एरियाज का कंसेप्ट अच्छे से समझो, सेकेंड पार्ट में ऑडिटर और उसका रोल क्या, उसका क्या इसमें लाइबिलिटी बनेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा वो पढ़ो, और थर्ड पार्ट हमारा जो कंपनी लॉ के अंदर भी आप लोग पढ़ते हो कि उसको रिपोर्टिंग इस पर किस तरह से करना चाहिए, आखिरी स्टेप जो उसका कंक्लूजन वाला है वो ध्यान रखोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले आपको जैसे इन्होंने मैनिपुलेशन की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी समझाई हैं कि मैनिपुलेशन के अंदर बेसिकली आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारे तरह के फ्रॉड्स जो हैं वो कर देते हैं, और यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं इनमें मैं चाह रहा हूँ कि इन मेथड्स को आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं कि अगर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, खास करके मैनिपुलेशन हो रहा है, तो ये वाली जो चीज़ है उसके जो मेथड्स आपको इधर दे के रखें वो बहुत बढ़िया है ना। जैसे नंबर 1 पे हमने लिखा इन्फ्लेटिंग और सप्रेशिंग परचेजर एक्सपेंसेस। अब बहुत सीधा सा है कि परचेज और एक्सपेंसेस को या तो आप बढ़ा करके बता रहे हो या कम करके बता रहे हो। अब बट ऑब्वियस है, अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा बताने हैं जबकि है नहीं तो आप इन चीज़ों को कम करके बताओगे, और अगर आपको प्रॉफिट मान लीजिए कि मतलब ज़्यादा बताने हैं तो इनको कम करोगे, और प्रॉफिट अगर कम बताने हैं तो अननेसेसरी इनको ज़्यादा करके बताओगे। तो एक तरीका ये हो सकता है। सेम इसी तरह से सेल और इनकम का हो सकता है, प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप सेल को और अदर इनकम को बढ़ा के दिखाओगे, प्रॉफिट कम करना है तो इनको कम करके दिखाओगे। तो ये सारा काम एक्चुअल पोजीशन के अलावा आप चाह रहे हो जैसा दिखाना सामने वाले को वैसा आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इसी को हम मैनिपुलेशन बोल रहे हैं। या जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का आपका वैल्यू है ना, उसको आप कम या ज़्यादा, प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हो तो आप जानते हो क्लोजिंग स्टॉक को आप ज़्यादा दिखाओगे, प्रॉफिट कम करना चाह रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे। ठीक है, या आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के जो एडजस्टमेंट है उनको आप नहीं कर रहे हो जानबूझ करके। आप जानते हो कि आउटस्टैंडिंग का अगर आपने किया तो खर्चे आपके बढ़ेंगे, प्रीपेड का किया तो भी उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो इनके एडजस्टमेंट्स को आप दिखाई नहीं रहे हो ताकि आप जैसी पोजिशन चाह रहे हैं प्रॉफिट लॉस की वैसी दिख जाए, है ना। या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू आप दिखा रहे हो या रेवेन्यू को कैपिटल दिखा रहे हो, कुछ भी आप कर सकते हैं। आपने मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे जो खर्चा किया जो कैपिटल में जाना चाहिए था उसको आपने सीधा सीधा सा पीएनएल के अंदर शो कर दिया, है ना। तो जो चीज़ गलत थी जो कैपिटल, या यहाँ का कोई मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस था जो रूटीन एक्सपेंसेस था पीएनएल का, वो आपने एसेट की तरह से उसको शो कर दिया। तो ये सब चीज़ें इसमें कवर हैं। तो मैं चाहूँगा एग्जाम्पल आप लोग अगर पढ़ के जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त हमारा काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप लोग लिख पाएंगे। फिर इंटेंशनल ओमिशन में भी ऐसी चीज़ इन्होंने लिख दी, मिसरिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इवेंट ट्रांजेक्शन और अदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। यानी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन का एंट्री नहीं डाला, परचेज का, सेल का, भाई कम ज़्यादा करके दिखाना ओके, कहीं पर आप कुछ चीज़ों को, इवेंट को आपने छोड़ ही दिया बिल्कुल ही। या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने मिसयूज़ किए, जैसा अभी हमने कहा क्लासिफिकेशन का जो था कैपिटल रेवेन्यू वाला वो आपने चेंज कर दिया, है ना। प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर का जो तरीका था, कंडीशन लाइबिलिटी जहाँ डिस्क्लोज होनी थी वहाँ की नहीं आपने, तो ऐसी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, इंटेंशनल कर रहे हैं, जानबूझ करके कर रहे हैं ताकि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा आप चाहते हैं वैसा सामने वाले को दिखे, जो है वो नहीं दिखे, जैसा आप चाहते हैं वैसा दिखे, तो ये सारा मैटर फ्रॉड का है और यहाँ पे आप कर रहे हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। देन इन्होंने टेक्निक्स बता दी हैं आपको कि इस तरह से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल दैट अदरवाइज में अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अब देखिए ये पकड़ना थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो गई कि मैनेजमेंट इसमें खुद इन्वॉल्व है, और जहां मैनेजमेंट इन्वॉल्व है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जब आप सुनते हैं तो सत्यम कंपनीज का आप सुनते हैं, तो सत्यम इन्फोटेक में आप लोग जानते हैं कि जहां खुद मैनेजमेंट या चेयरमैन अगर जुड़ा हुआ है फ्रॉड से तो उस फ्रॉड को पकड़ना बहुत मुश्किल रहेगा किसी के लिए भी। कुछ टेक्निक्स आपको यहां पे इन लोगों ने दे दी हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। जैसे फेक जनरल एंट्रीज को कर दिया गया, ये आप देखें यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स देके रखे हैं। रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस या फेक जनरल एंट्रीज पर्टिकुलरली क्लोज टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ना खास करके जब 31 मार्च आ रहा होता है उस वक्त कुछ फेक एंट्री आप कर दो टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को दिखाने के लिए। जैसे बहुत सारा परचेज दिखा दो, बहुत सारा सेल्स दिखा दो, फिर नया साल शुरू होगा उसके स्टार्टिंग में वापस परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न आपने कर दिया, तो ये कुछ किया जा सकता है। ठीक है,
सेकेंड नंबर इन अप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग एजम्पशन या चेंजिंग जजमेंट. इन अप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग एजम्पशंस एंड चेंजिंग जजमेंट यूज टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंसेस. भाई अकाउंट खास करके प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट वगैरह हो गया, तो आपने अपने हिसाब से ही एस्टिमेट ले लिए, मन से एस्टिमेट ले लिए फ्रॉडुलेंट तरीके से कि हाँ भाई इतना होगा, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी. नाउ ओमिटिंग या एडवांसिंग डीलिंग रिकॉग्नाइजेशन, कई सारी इनकम या एक्सपेंडिचर को आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो जो एएस के हिसाब से करना ज़रूरी होता है, ठीक है, या चीज़ों को आपने फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं किया. ये दोनों पॉइंट लगभग एक जैसे दिखेंगे, आपको मैच करते दिखेंगे, छुपा लिया आपने चीज़ों को. या कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स के अंदर आप लगे हुए हैं, दे आर स्ट्रक्चर्ड टू मिस रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजिशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी. कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स हैं, बहुत मुश्किल ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई मैटर हो, टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर हो, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही शो नहीं कर रहा है, वैसे कुछ ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हैं. या रिकॉर्ड्स को आप बार बार चेंज कर रहे हैं, ऑल्टरिंग कर रहे हैं, अमाउंट्स चेंज कर देते हैं, मन आए उस हिसाब से चीज़ों को चेंज कर रहे हैं अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो सब टेक्निक्स हैं जिससे ये फ्रॉड किया जा सकता है. तो मेरे हिसाब से जस्ट फॉर रीडिंग चलेगा, मेन तो आपको मैनिपुलेशन वाले जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ करके जाना चाहिए. फिर हमने कहा व्हाई डू मैनेजमेंट एम्प्लॉय कमिट फ्रॉड, कि भैया ये फ्रॉड करते क्यों हैं, भाई इन्हीं का कंपनी है, सब कुछ इन्हीं का है, तो इसमें इनको खुद की ही कंपनी में ऐसा फॉल्सिफिकेशन करने का है, मैनिपुलेशन करने का या फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग करने का जरूरत क्या है. तो उसका जवाब बहुत सीधा सीधा सा है, देखिए जवाब आपको यहाँ दिया गया है. सबसे पहला तो फाइनेंशियल प्रेशर होता है भाई, मार्केट में एक स्टैंड करने के लिए, कंपनी को दिखाने के लिए, या शेयर्स का वैल्यू कई बार रेस करने के लिए, या कैपिटल को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा प्रेशर हमारे ऊपर होता है कि मैनिपुलेशन ये लोग करते हैं, है ना. दूसरा मैनेजमेंट के अनरियलिस्टिक गोल हैं, ऐसे गोल जो रियलिटी से बहुत दूर हैं, है ना, बहुत शॉर्ट टर्म में एक लॉन्ग टर्म सक्सेस का जो अचीव करने का जो तरीका होता है, तो फिर आदमी जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हो अनएथिकली वर्क करेगा. डिससेटिस्फाई एम्प्लॉय और लैक ऑफ मोटिवेशन, एम्प्लॉय आपका डिससेटिस्फाई है, मोटिवेशन उसको मिल ही नहीं रहा है, उसको न तो फाइनेंशियल मोटिवेशन है, न वर्क से रिलेटेड कुछ ढंग से कुछ मिल रहा है, तो फिर वो ऐसी ही एक्टिविटीज के अंदर एंगेज रहेगा, सीधी सी बात है. नाउ नेम गेम, मैनेजमेंट यूजिंग पावर ऑफ अथॉरिटी बाय आस्किंग एम्प्लॉय टू डू समथिंग इलीगल. अब नेम गेम, कई बार मैनेजमेंट अपना मैनेजमेंट होने का, अपने पोस्ट का फायदा उठाना चाहता है और वो एम्प्लॉयज़ को कई सारे इलीगल काम करने को बोलता है, और जहाँ पे कि भाई हम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में, आप ये करिए. अब एम्प्लॉय नहीं भी चाह रहा है लेकिन उसको नौकरी का चिंता है, अपना सैलरी ही उसको मिल रहा है, तो वो अनएथिकल काम कर देगा. और सबसे बड़ी बात, अपॉर्चुनिटी टू कमिटिंग फ्रॉड, आपको अगर चांस मिल रहा है तो देखिए कई बार होता है ना, जैसे क्लासरूम है और क्लासरूम में अगर कहीं पे एक जने ने, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, एकदम सब कुछ साइलेंट है, और किसी एक ने मान लीजिए कुछ गड़बड़ करना शुरू किया और हमने उसको टॉलरेट कर लिया, तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गई. उसके अलावा चार और लोग जल्दी ही बदमाशी शुरू करेंगे क्योंकि उनको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल गया एंगेज होने का, कि भाई यहाँ शैतानी करना है. वही अगर हमने उसको रोक दिया, अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं, तो शैतानी होगी नहीं. तो सेम वही चीज़ हो रहा है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ब्लैक मैनेजमेंट का या तो पूरा कंसिडरेशन नहीं है, मैनेजमेंट का पूरा ध्यान नहीं है, या चीज़ों में फ्रॉड हो रहा है, दिख रहा है, आपको चांस मिल रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं है. तो ऐसे में कई बार क्या होता है, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल आपको कॉमन एग्जाम्पल दूँ, सपोज करिए कि टेलीफोन का बिल किसी एंटिटी में बहुत ज़्यादा आ रहा है, है ना, और ऑफिस के कॉल्स तो बहुत कम होते हैं, पर्सनल कॉल बहुत होते हैं. अब नए नए जो एम्प्लॉयज़ आए, उन्होंने जब ये देखा कि यार पुराने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने पर्सनल काम जो भी है, पर्सनल टॉक जो भी है, जो भी बात करना है, सब ऑफिस के फ़ोन से कर रहे हैं, है ना, और मैनेजमेंट भी उनको रोक नहीं रहा है, इवन मैनेजमेंट भी उसी में इन्वॉल्व है, तो ठीक है उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि यार ठीक है हम भी करेंगे, कौन रोकेगा. और यहाँ आपके एक्सपेंडिचर अननेसेसरी बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे. तो वैसा ही जहाँ देखा कि कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है, तो फिर फ्रॉड के चांसेस और बढ़ते जाएंगे, अपने को ध्यान में रखना है. तो दीज आर सम रीजंस हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है. तो पहला कंसेप्ट हमारा था कि भाई यहाँ पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है. दूसरे नंबर पे हमारे पास में जो पॉइंट था वो था मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का, जिसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था. अब कॉमनली अगर बात करें तो बहुत अच्छा पॉइंट देकर रखा है यहाँ, थेफ्ट ऑफ एसेट आप लोग देख सकते हो, और इसमें भी इन्होंने कुछ पॉइंट दिए, कुछ वेज आपको बताए हैं. थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट हमने सबसे पहले तो लिख दिया, और जनरली ये जो है वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा करने वाले हैं, आप जानते हैं,
ठीक है, हालांकि इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व मैनेजमेंट हु आर यूजुअली मोर एबल टू डिस्कस और कंसील मिस अप्रोप्रिएशन इन वेज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. और आप जानते हो कि भाई एम्प्लॉई ने चोरी किया तो फिर भी पकड़ा जा सकता है. मैनेजमेंट कई बार कुछ चीज़ों को एसेट को चुरा लेता है अगर, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल रहेगा. जिसमें कुछ पॉइंट्स हमने दिए, जैसे हमने दिया एम्बेजलमेंट ऑफ रिसिप्ट, है ना. फिर जो भी रिसिप्ट कंपनी के पास में आ रही है, जो भी कलेक्शन कंपनी के पास में आ रहा है, वो आपने क्या किया, गायब कर दिया. अब बहुत सारे तरीके हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, आपको बहुत वेज दे रखे हैं और मैं चाहूँगा कि आंसर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वो वेज पढ़ के जाएँ तो काम भी बहुत आएंगे. हमने क्या किया कि किसी बंदे से पैसा रिसीव हुआ है और उसको अपने बैड डेब्ट के अंदर शो करके अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिया और कंपनी को बोल दिया कि वो पैसा तो डूब गया, बैड डेब्ट हो गया. तो ये करने का तरीका है, किसी का बैड डेब्ट रिकवर हुआ लेकिन आपने कंपनी को शो ही नहीं किया, पर्सनल अकाउंट के अंदर पैसा ले लिया. तो ये सब चीज़ें हो गया कि भाई कैश जो आ रही है, रिसिप्ट आ रही है, वो मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो, है ना. दूसरे नंबर पे सीधा सीधा फिजिकल एसेट जो भी है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो आप चुरा रहे हो. हाँ, इन्वेंट्री पर्सनल यूज़ के लिए काम में ले लिया, या जो स्क्रैप हुआ उसका जो सेल हुआ वो पैसा आप उड़ा करके ले गए, छुपा लिया आपने, या कॉम्पिटिटर के साथ में आपने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर ली, उससे आपने पैसा ले लिया. ये सब चीज़ें इसी के अंदर कवर हैं आपकी, ध्यान में रखेंगे. फिर हमारे पास में आया कि कॉजिंग एन एंटिटी टू पे द गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव, ऐसी सर्विसेज जो हुई नहीं है. आपको याद हो तो रूटीन क्लास में भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक जगह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 100 एम्प्लॉयज ही हैं लेकिन सैलरी 101 की उठ रही है. जो कंप्यूटर ऑपरेटर था उसने अपनी मदर का नाम जो है वो एम्प्लॉयज की लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया और एक साल तक सैलरी भी उठ गया. एक साल बाद जा करके जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रजिस्टर चेक हुआ कि यार हो तो 100 रहे हैं, सैलरी 101 का उठ रहा है, तो ये चीज़ फाइंड आउट हुई. तो ये इसके अंदर अपना कवर हो सकता है ना. फेक बिल्स आपने बना दिए, फेक्स पेमेंट दिखा दिए और जो पेमेंट दिखाए पैसा उठा करके जेब के अंदर डाल दिया, ये सब हो सकता है. फिर एनटीडी का एसेट पर्सनल यूज़ के लिए लेना, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं. एनटीडी के एसेट को आपने अपने लोन के लिए प्लेच के ऊपर रख दिया, गिरवी रख दिया, ऐसा कुछ भी. तो ये सब चीज़ें कवर हैं जहाँ पे फ्रॉड इन्वॉल्व है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट जो है वो इन्वॉल्व है. तो दो तरीके फोकस है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट. अब एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखा है, आइए चेक करते हैं एग्जाम्पल को. विनीत इज अ मैनेजर ऑफ जेड एक्स लिमिटेड, ही इज हैविंग ऑथोरिटी टू साइन चेक अप टू 10,000, है 10,000 रुपये तक का चेक वो साइन कर सकता है. वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, राजन द ऑडिटर नोटिस दैट देयर वर मैनी चेक ऑफ रुपीज 9,999 विच हैड बीन साइन बाय द विनीत. भाई 10,000 तक की तो उसको ऑथोरिटी थी, तो कई सारे 9,999 के चेक देखे, मतलब उसकी ऑथोरिटी के अंदर के. फर्दर विनीत हैज स्प्लिट लार्ज पेमेंट अमाउंटिंग टू मोर देन 10,000 ईच इंटू टू और मोर चेक लेस देन 10,000. दिमाग लगाया ना भाई, किसी को 20,000 का पेमेंट किया तो दो बार में कर दिया उसने, है ना, दो बार में. या 18,000 का पेमेंट करना है, 17,000 का करना है, 10 से ऊपर उसको ऑथोरिटी नहीं है, पूछना पड़ेगा. तो उसने दो चेक इशू कर दिए 9,999 प्लस जो भी रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट था, तो इस तरह से उसने किया ताकि उसको अपर ऑथोरिटी से ऑथराइजेशन लेना ही नहीं पड़े. दिस रेस बट ऑब्वियस है, अब इसमें सस्पेक्ट केस तो है ही, ऑडिटर को नजर आएगा. तो ऑडिटर फाउंड दैट चेक ऑफ ₹9,999 वर डिपॉजिटेड इन विनीत पर्सनल अकाउंट एंड विनीत हैज मिस अप्रोप्रिएटेड द अमाउंट. वो पैसा पर्सनल अकाउंट में गया, वहां से उसने गबन कर लिया, गायब कर लिया. तो स्प्लिटिंग द चेक इन टू लोअर अमाउंट इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, अभी एक तरह से अकाउंट्स का मैनिपुलेशन हो गया और फ्रॉड यहाँ पे एम्प्लॉय ने कमिट किया. तो इस तरह का एग्जाम्पल अपन ध्यान में रख सकते हैं, जरूरत पड़े मैटर को लिखना पड़े, बढ़ाना पड़े तो अपन लिख भी सकते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर कवर हैं, सिंपल है. नाउ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स भी इसमें है, हमने एक तरफ एसेट पढ़ा, गुड्स भी है. सिंपल है, फ्रॉड इन द फॉर्म ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इज स्टिल मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, मुश्किल है. फॉर दिस मैनेजमेंट हैज़ टू रिलाई ऑन वेरियस मेजर अपार्ट फ्रॉम द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग अबाउट फिजिकल क्वान्टिटी एंड देयर पीरियोडिक चेक, देयर मस्ट बी रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर अलाउइंग पर्सन इन साइड एरिया वेयर गुड्स आर केप्ट. ध्यान रखिए भाई, रिकॉर्ड सारे मेंटेन हो रहे हैं, फिजिकल चेक भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ चीज़ें होनी चाहिए. गुड्स जब सप्लायर के वहाँ से हमारे पास आ रहा है तो एक रजिस्टर में एंट्री हो इनवर्ड के अंदर, फिर स्टॉक डिपार्टमेंट उसकी एंट्री करे, वहाँ से जिस डिपार्टमेंट को इशू कर रहे हो वहाँ पे भी उसका प्रॉपर एंट्री हो, यूटिलाइजेशन प्रॉपर चेक हो, रजिस्टर मेंटेन हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी, तब हम जाकर के गुड्स के मिस अप्रोप्रिएशन को कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है.
इन एडिशन देयर शुड बी एक्सट्रीम सिक्योरिटी अरेंजमेंट टू सी दैट नो गुड्स आर टेकन आउट विदाउट प्रॉपर अथॉरिटीज. क्लियर है, कह दिया. गुड्स कैन बी एनीथिंग इन द प्रमाइसेस, इट मे बी मशीनरी, इट मे इवन बाय डेली नेसेसिटी वाली चीज़ें, स्टेशनरी उठा करके कोई ले जाए भाई घर पे अपने, है ना, तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं. तो बस यही सब लिखा है इसके अंदर कि ये सब अपने को थोड़ा ध्यान में एक्स्ट्रा केयर के साथ में करना पड़ेगा. बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है. तो यही सब इन्होंने बताया. अब इसी का सेकेंड पार्ट जो हमारा था वो भी समझें. हमने कहा कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के अंदर एक तो हमारा गुड्स हो गया और दूसरा हमारा जो है वो डिफॉल्केशन ऑफ कैश हो गया. अब कैश का डिफॉल्केशन कैसे होता है इसमें, हाँ अब आप इस वर्ड का मतलब जान सकते हैं, कैश का गबन करना, कैश को गैप करना, इधर उधर करना, कम ज़्यादा करना, वो सब चीज़ें. इसमें भी 3 पॉइंट्स आप लोग को दे के रखे हैं. तो फिर से बोलूंगा, जब पढ़ें छोटे छोटे पार्ट्स के भी, पहले फ्रॉड को आज समझेंगे. आज तो हम बैठे भी 1 घंटा अपने को सिर्फ फ्रॉड को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. 2 पार्ट के अंदर हमारा फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो रहा है, उसके सारे तरीके पढ़ लिए. फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में भी गुड्स का भी हो सकता है और साथ में डिफॉल्केशन ऑफ कैश भी हो सकता है. गुड्स का कैसे होगा, छोटे से पॉइंट वहाँ है, पॉइंट्स के अंदर याद करिए. फिर हमारा ये पॉइंट आ गया, इसमें 3 तरीके हैं. कैश पेमेंट्स को बढ़ा करके दिखाना, बट ऑब्वियसली इसे कैश कम हो जाएगी. कैश रिसिप्ट को कम कर देना, इससे भी कैश जितनी है उससे कम दिखाओगे. और कैश बुक के अंदर टोटलिंग, जो कास्टिंग जब करते हो उस वक्त में टोटलिंग के अंदर गलती कर दो, जितना ज़्यादा हो रहा है कम दिखा दो, ताकि मैच कर जाए आपकी चीज़ें, जितना आपने गबन किया वो सब सेट हो जाए, वो सब इसके अंदर कवर हैं. तो बहुत बेसिक पॉइंट है. अकाउंट्स आप सब लोगों का बहुत ज़ोरदार है, तो उसके बाद तो इन सब के अंदर आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए. कैश पेमेंट को इन्फ्लेटिंग करना, सेम वही पॉइंट हो गया अपने पास में. देखो, मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट फिक्टिशियस वाउचर, ऐसे वाउचर जो फेक हैं उनका पेमेंट, ताकि आपका कैश पेमेंट ज़्यादा दिखे. फिर मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट वाउचर द अमाउंट वेयर ऑफ हैव बीन इन्फ्लेटेड. एक तो ऐसे है ही नहीं जिनको पेमेंट कर रहे हो, फिर जितना पेमेंट हो रहा है उससे ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हो, है ना. या मैनिपुलेटिंग टोटल ऑफ वेजेस, जैसा आपको मैंने कहा था डमी वर्कर्स के नाम डाल दिए, अभी भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है. या कास्टिंग अ लार्जर टोटल फॉर पेटी कैश एक्सपेंडिचर, आपके बहुत ज्यादा आप कॉलम के अंदर दिखा देते हो अननेसेसरी के. तो इन सब तरीकों से क्या हो रहा है, कैश पेमेंट्स आपके ज्यादा दिख रहे हैं. तो बट ऑब्वियस है, पेमेंट फालतू के दिखा दिए और वो सारा पैसा आपने पॉकेट में डाला, बराबर. कैश रिसिप्ट को सप्रेस कर रहे हो, उसमें एक बढ़िया पॉइंट आता है हमारे पास में, टीमिंग एंड लेडिंग. ये अलग से मैं इंपॉर्टेंट आपको बोलता हूँ, कमेंट आ सकता है इसके ऊपर. टीमिंग एंड लेडिंग में एक तरीका है, एक्चुअल में ये एक तरीके से आप बोल सकते हो शॉर्ट बैंकिंग है, ये अकाउंटिंग फ्रॉड है. अमाउंट रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर बीइंग मिसअप्रोप्रिएटेड, क्या होता है कई बार कि जैसे कस्टमर 1 से हमको 1 लाख रुपीज रिसीव हुआ और हमने इस 1 लाख का बुक्स के अंदर एंट्री किया ही नहीं, अभी तक एंट्री नहीं की इसकी, ठीक है, गायब कर दिया इसको, पॉकेट में डाल दिया खुद के. अब हमारा एक कस्टमर 2 है, उस कस्टमर 2 से हमको मान लो 1 लाख रुपया रिसीव हुआ, तो हमने कस्टमर 2 में उसकी एंट्री नहीं करके बुक्स में ये शो कर दिया कि ये पैसा कस्टमर 1 से आया है, ठीक है, और 2 वाले का पैसा अभी ड्यू है. फिर जब 3 वाले का आएगा तो उसको 2 से एडजस्ट कर देंगे. इन सबके करने से ये हुआ कि ये 1 लाख रुपया जो स्टार्टिंग में आपने गायब किया था, इसका कोई हिसाब आपसे पूछने वाला नहीं, पकड़ में आना बहुत मुश्किल है, तीसरे का दूसरे में, चौथे का तीसरे में, ऐसे एडजस्ट करते जाएंगे वो. अच्छा, ज़्यादा टाइम तक आउटस्टैंडिंग भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अगले वाले का जो आ रहा है उसको आप पहले वाले से एडजस्ट कर रहे हो, तो देखने वाले को भी लगेगा ठीक है यार, ज़्यादा टाइम आउटस्टैंडिंग थोड़ी रहा, पैसा तो आ ही रहा है हमारे पास में. तो इस तरह से ये चीज़ें स्ट्रीमिंग एंड लीडिंग में आती हैं. देखो वहाँ लिखे, अगर पढ़ते हैं वहाँ से, ऑल्सो टू प्रिवेंट दिस डिटेक्शन द मनी रिसीव फ्रॉम अनोदर कस्टमर सब्सिक्वेंटली बींग क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर हु हैज पेड अर्लियर. मतलब सेकेंड वाले से जो पैसा आया वो फर्स्ट वाले में डाल दिया, थर्ड वाले का जो आया वो सेकेंड वाले में डाल दिया, तो पकड़ने वाले को पकड़ में भी नहीं आ रहा है कि हाँ भी आउटस्टैंडिंग आगे से आगे चल रहा है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टाइम भी नहीं चल रहा है कि शक हो. सिमिलरली मनी रिसीव फ्रॉम द कस्टमर हु हैज पेड देयर आफ्टर बीइंग क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ सेकंड कस्टमर, मैं आपको जैसा बोल ही रहा हूँ, तो ये कंटिन्यू टाइम टू टाइम आप चलाते रहेंगे. नो वन अकाउंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर अ पेमेंट ऑफ एनी लेंथ ऑफ टाइम, तो लंबे टाइम के लिए कोई आउटस्टैंडिंग भी नहीं दिखेगा, किसी को शक भी उसके ऊपर नहीं होगा. तो ये चीज़ें जो है, पर शक हो तब तो आप उसको लेटर लिख के भी पूछो, भाई साहब साल भर से आपका पेमेंट नहीं आया, तब वो बोले मैंने तो कभी कर दिया. लेकिन ऐसी सिचुएशन ये क्रिएट ही नहीं होने दे रहे हैं, तो वो सब टाइमिंग लीडिंग में इंक्लूड है. सेकंड नंबर हमारे पास में क्या हो गया, वो चीज़ भी देखें, एडजस्टिंग अनऑथोराइज और फेक रिबेट आपने दे दिया है,
और अलाउंसेज और डिस्काउंट जो एक्चुअल में है ही नहीं। आपने दिखाया भाई 10,000 का पेमेंट था, 1,000 रुपये तक का हम डिस्काउंट दे सकते थे, हमने 1,000 डिस्काउंट दे दिया है, जबकि ये 1,000 रुपया आपकी पॉकेट में डाल दिया। सामने वाले से लिया तो आपने पूरा 10,000 रुपया, लेकिन यहाँ शो किया 9,000 रुपीज़। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी इसी के अंदर आपकी कवर होंगी कि आपने गड़बड़ किया कैश के अंदर, बराबर। फिर हमने क्या किया, राइटिंग को मतलब जो रिसिप्ट है उसको आप कम करके शो कर रहे हो। डेप्ट अभी भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आप पैसा था बैलेंस में, सामने वाले ने दिया, लेकिन आपने उसको बैड डेप्ट की तरह से शो कर दिया, इससे भी आपका कैश जो है वो कम हो गया, रिसिप्ट आपने गायब कर दी, है ना भाई। वो सारे पॉइंट जो हमने पढ़े वो थे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के, और उसी के दो पार्ट हैं, एक गुड्स हो गया और एक हमारा कैश हो गया, है ना। तो वही पॉइंट वापस देख रहे हैं आप, कैश सेल्स को पूरी तरह से एंटर नहीं कर रहे हो। 10 लाख का कैश सेल्स हुआ, आपने 9 लाख ही दिखाया है ना। मिसलिनियस रिसिप्ट आप दिखा ही नहीं रहे हो, स्क्रैप आपने बेचा, उसका पैसा आपके पास में आया, तो वो सारी चीजें जो पैसा आया आपने हाउस कोई क्वार्टर वाटर अलाउड किया एम्प्लॉय को, उससे कुछ टोकन मनी लिया, वो सारा पैसा आपने बुक्स में दिखाया नहीं, गायब कर दिया। या जो एसेट आपने सेल करी कंपनी की, आप कंपनी का एसेट 1 लाख में सेल किया था, पुराना कोई एसेट था या कुछ भी, आपने बुक्स के अंदर 80,000 दिखाया, 20,000 पॉकेट के अंदर डाल लिया, ये सारी चीजें जो हैं वो सब आपके इसी के अंदर कवर होंगी। डिफाल्केशन ऑफ कैश अपने को ध्यान रखना है, और कास्टिंग रॉन्ग टोटल तो बहुत सिंपल है, कैश बुक का टोटली रॉन्ग कर रहे हो जानबूझ के, तो उतने पैसे का डिफरेंस गायब कर दोगे, है ना। तो इसको भी आप देख करके जाएं, अच्छा सा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, ध्यान में आप लोग रखेंगे तो ये भी यहाँ खत्म हो जाएगा। एक कंसेप्ट आज के लिए और लेते हैं, पहले कुछ चीज़ें बात करेंगे, दो वीडियोस इसके ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझ जाएं। रिविजन करने भी बैठ रहे हैं तो एक लेक्चर को लीजिए, पढ़िए खुद, यहाँ से सुनिए, सब चीज़ें समझ में आएंगी। फिर हमने कहा कि भाई इस तरीके से फ्रॉड को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिर से आपको बता दूं, चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहला फ्रॉड को अंडरस्टैंड करिए, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे आइए। दूसरे नंबर के ऊपर आइए मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के फिर से हमने 2 पार्ट दे दिया आपको, एक आपका मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो गया, दूसरा आपका डिफॉल्केशन ऑफ कैश हो गया। इसके तरीकों को आपको पढ़ करके जाना है। फिर आया ऑडिटर का क्या ड्यूटी है, तो ऐसे 240 की बहुत काम की लाइन, यहां पे आप लोग देखें इन्होंने क्या बोला, द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऐसे का नाम है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रेस्ट विद द बोथ TCWG एंड द मैनेजमेंट। मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट इन करेक्ट के अंदर ये क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स में या करेक्ट इन करेक्ट में आ सकता है। अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन विच में रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रॉड टू टेक प्लेस। भी उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट कर रहा है तो TCWG की है। और बस यही चीजें इसमें हमने लिखी हैं, कमिटमेंट टू क्रिएट ऑनेस्ट बिहेवियर रहे, एथिकल बिहेवियर रहे, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल है, ठीक है। फिर आगे हमने इसी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को भी हमने समझा दिया है कि भाई ऐसे 200 के हमने थोड़ी सी हेल्प ले ली है, कि ऑडिटर का काम बस ये देखना है कि अकॉर्डिंग विद ऐसे सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस वजह से हम इस ऐसे को फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ लिखी हैं, इन जनरल आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे इस मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट और TCWG की है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। हमारा काम, हमारा ऑडिट का वर्क करना है, उसमें हम सारे एसेस के अकॉर्डिंग करेंगे, और उसमें एक एसेट 240 भी आता है, तो उसके हिसाब से हम नज़र रख सकते हैं। ऑडिट का काम करते हुए फ्रॉड नज़र आया तो हम ज़रूर उसको ध्यान में रखेंगे, अपने को ध्यान रखना है। तो दो केस स्टडीज यहाँ पे आपको दे करके रखी हैं, आइए इन दोनों केस स्टडीज को एक बार चेक करते हैं। देखिएगा, केस स्टडी वन कहती है, वाइल ऑडिटिंग XYZ लिमिटेड द ऑडिटर वॉज टोल्ड बाय मिस्टर महेश द CEO ऑफ द कंपनी दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रॉड एंड एरर इफ एनी अकरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। कि उन्होंने कहा कि भाई आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे, CEO ये कह रहा है। अब ये एक केस स्टडी आपको दिया, इसका आंसर बढ़िया बनाया इन्होंने। सबसे पहले तो 240 के हिसाब से कौन रिस्पॉन्सिबल है वो बता दिया। फिर अगर आप इसका आंसर यहां से पढ़ेंगे तो बहुत काम की चीजें आपको नजर आएंगी, इसको पढ़िएगा जरूर एक बार। इन्होंने ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस वाली लाइन लिखी, आपको याद हो तो,
कि भैया अनअवॉइडेबल रिस्क है, 100% एश्योरेंस तो हम किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते, ऐसे 200 ऑडिट की कुछ हमको इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में बात करता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टार्टिंग चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट रूटीन में भी, और जब हमने स्ट्री मैट का रिविजन लिया था तब भी हमने फर्स्ट चैप्टर में इनहेरेंट लिमिटेशंस पे बात की है, ऐसे 200 में, तो वो इन्होंने यहाँ पे दिया। फिर हमने बोला कि भाई वाइल ऑप्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर मेंटेन करेगा प्रोफेशनल स्कैपिटलिज्म को थ्रू आउट द ऑडिट। फिर से जो मैं हमेशा कहता हूँ, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब कह सकते हो बाउंड्रीज नहीं है उसमें। ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट ऐसे में आपने पढ़ा 200 में वो इसके आंसर में काम नहीं आएगा। बाकायदा देखिए वर्ड्स हमने वही काम लिए कि हम थ्रू आउट द ऑडिट प्रोफेशनल केयर यूज करेंगे, है ना, और देन ऑडिट कंसिडरिंग द पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल एंड रिकग्नाइजिंग द फैक्ट दैट ऑडिट प्रोसीजर आर इफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग एरर मे नॉट बी इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग फ्रॉड। ये सिंपल चीज हो गई कि भाई इसमें हमको एक चीज जरूर है कि अलर्ट रहना है, लेकिन हमारा अलर्टनेस फ्रॉड को पकड़े ही पकड़े, रोके रोके, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे रूटीन काम में जो फ्रॉड नजर में आएगा उसको हम जरूर पकड़ेंगे, ठीक है। वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि भाई फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट होना चाहिए, सब कुछ ठीक है। फिर फाइनली हमने इसके आंसर में क्या लिखा वो फोकस करो, द ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ द फ्रॉड इन एरर एंड फ्रेम इज रिपोर्ट अप्रोप्रिएटली। वो हम लिखेंगे इन केस ऑफ फ्रॉड द सेम शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज नॉट मेड देन उसके बाद में आप कह सकते हैं शुड बी अ सुटेबल डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बनती है कि हम सेटिस्फाई हो जाएं कि भाई मिस स्टेटमेंट वहां पे नहीं है। हमारे प्रोसीजर में अगर हमने कमी किया है उसमें अगर लैक ऑफ प्रोसीजर है, लैक ऑफ प्रोसेस है, तो फिर ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, अदरवाइज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं। तो पूरा केस स्टडी पढ़ने के बाद फिर आप अपना मैटर अगर सेलेक्ट करेंगे, इतना बड़ा आप नहीं भी लिखना चाहें तो अपना एक मैटर सेलेक्ट करें, बहुत आराम से मैटर ऐसे 200 और 240 के बेस पे आप लोग बना लेंगे कन्फर्मली। नाउ केस स्टडी सेकंड भी आज अगर अपन देख लें तो छोटा सा एक पार्ट है, इस पार्ट को भी मेरे साथ चेक करिए, ठीक है। आंसर्स को देख करके घबराइएगा नहीं कि और इतना बड़ा आंसर हम कैसे लिखेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड फ्रॉड वॉज डिटेक्टेड एट द ऑफिस ऑफ द ऑडिटी। ऑडिट कंप्लीट होने के बाद फ्रॉड पकड़ में आया, मैनेजमेंट वही ब्लेम कर रहा है ऑडिटर पे कि आपका ड्यूटी था, आपने क्यों नहीं किया, चेक क्यों नहीं किया, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब के लिए, क्लियर हमने बोल दिया। वापस से वही चीज 240 वाली, सेम आंसर दोनों में जा रहा है, सब कुछ हमने बता दिया। फाइनल चीज वही है कि हमने अगर अपने प्रोसीजर में गलती किया है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अदरवाइज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फर्दर अगर ये भी होती है तो भी हम लाइबल नहीं है। आप देख सकते हैं हमने लिखा भी है, लास्ट पैरा में पढ़ रहा हूं इसके लिए, ऊपर वाले पैरा वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी दिए, द लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर फॉर फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड एग्जिस्ट ओनली वैन सच फेलियर इज क्लियरली ड्यू टू नॉट एक्सरसाइजिंग रीजनेबल केयर एंड स्किल। लगातार जो मैं बात बोल रहा हूँ, हमारे पार्ट पे गलती है, हमारे प्रोसीजर में गलती है तो आप हमको लाइबल कर सकते हो, अदरवाइज सम इनहेरेंट लिमिटेशन रहेंगी जिनको हम पकड़ नहीं पाएंगे। दस इन द इंस्टेंट केस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट इफ अ फ्रॉड हैज बिन डिटेक्टेड द सेम बी इट सेल्फ कैनॉट मीन दैट ऑडिटर डिड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी प्रॉपरली। आप ये नहीं बोल सकते हो, इफ द ऑडिटर कैन प्रूव, अब आपको याद हो तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमने पढ़ा है वो इसी दिन के लिए काम आएंगे, अगर प्रूव कर देता है कि ही हैज फॉलोड एडिक्वेट प्रोसीजर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट ही कैनॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। इफ हाउएवर द सेम कैनॉट बी प्रूव्ड ही वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और अगर प्रूव नहीं कर पाया तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, क्लियर मैटर है। तो ये ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो बेसिक, तो मैंने कहा चैप्टर 3 पार्ट में है, एक पार्ट अपन ने कर लिया, दूसरा पार्ट बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, अभी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप इसको, ठीक है। तो इतना पोर्शन आज के लिए आप लोग करने वाले हैं, बराबर। नेक्स्ट इसका जो सेकेंड पार्ट का वीडियो है उसके अंदर मैं आपको रिमेनिंग चीजें इसके अंदर बताऊंगा कि हम किस तरह से रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करके, मतलब ऑडिटर का क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। फिर एक बढ़िया पॉइंट इसमें अपन ले लेंगे कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है और क्या फ्रॉड पता लगने पे एंगेजमेंट विड्रॉ करना है, चलाना है, क्या है, क्या क्वेश्चन आंसर है, इन सब पे हमारी थोड़ी सी बात हो जाएगी, बराबर। तो छोटा सा वीडियो हाफ एन आवर के आसपास का है, थोड़ा सा समझिएगा, सुनिएगा और इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। चलिए जी, तो सेकेंड के अंदर, सेकेंड पार्ट में जल्दी से वापस मिलेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।